प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के जनता इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 23वें प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की और दीप प्रज्वलित करके अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि एबीवीपी का इतिहास गौरवशाली रहा है और समय समय पर देश के सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थी परिषद व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुखता सरकारी नौकरियों में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करना है। कहा कि साल 2015-16 में भर्तियों में घोटाले, परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की शिकायतें आती रहती थी। जब सरकार ने इसकी प्रारंभिक जांच कराई तो तमाम घोटाले सामने आ गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी की वन फूलपुरा कॉलोनी के मामले में सरकार लगातार कार्य कर रही है। जहां विस्थापन कराना होगा हम करेंगे और आपदा सचिव एक टीम के साथ मौके पर जाकर सर्वे करेंगे। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में छात्रों के छात्राओं के बीच में विद्यार्थियों के बीच थोड़ा सा नीचे कर लो, एक राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका सही प्रकार से जो समाज में जाकर आगे राष्ट्र जीवन में जाकर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर एक विद्यार्थी को एक शिक्षार्थी को किस प्रकार का उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए, किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, उसको सही तरीके से सिखाने का काम, उनके अंदर एक भाव लाने का काम विद्यार्थी परिषद करती है, विद्यार्थी परिषद संगठन करता है। आज दुनिया का छात्रों के बीच में चलने वाला सबसे बड़ा संगठन है और आज यहाँ पर प्रांतीय जो अधिवेशन हुआ है उसका प्रारंभ हुआ है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ।